हवाई निरीक्षण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन जिलों का हाल जाना है जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं, जहां पर बाढ़ आने की संभावना लगातार बनी हुई है मॉनसून के बाद। जी निश्चित तौर पर मानसून के साथ ही बाढ़ का खतरा ही बना हुआ है, नदियां उफान पर है और तमाम सारे ऐसे जिले हैं जो कहीं ना कहीं बाढ़ से प्रभावित होते हैं। हम बात करें तो सलावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और पीलीभीत, ये वो इलाके हैं और खीरी है। इसके अलावा कई और इलाके भी ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ की स्थिति है बनी रहती है और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गाँव के गाँव हैं वो डूबने के आसार बने रहते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो पलायन करने को मजबूर होते हैं। हालाँकि जिस बाढ़ की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही समीक्षा बैठक की थी और जरूरी निर्देश दिए थे कि बाढ़ स्थिति जहाँ है वहां पर लोगों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हालांकि जानकारी भी मिली है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आप हवाई सर्वे के जरिए जो बाढ़ क्षेत्रों का दौरा है वो कर सकते हैं और जाहिर है कि जहां पर क्या स्थिति बनी हुई है उसको लेकर भी क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि जगह जगह पर तस्वीरें भी सामने आ रही है, जानकारियां मिल रही है कि कुछ जगहों पर जहाँ बाढ़ से लोग प्रभावित हो रहे थे या लोग फंसे हुए थे उनको सेना के जरिए बचाया गया, या कहीं NDRF SDRF के जरिए लोग उनको मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। PSC के तरफ से उनको मदद पहुंचाने की कोशिश की, लोकल स्तर पर जिला प्रशासन है वो मदद कर रहा है ताकि जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको समुचित उनकी व्यवस्था है वो की जा सके। अगर बाढ़ में लोग फंसे हैं तो उनको किस तरीके से सुरक्षित है वो निकाला जाए तो उसको लेकर जरूरी इंतजाम भी किए जा रहे हैं। हालांकि मानसून के साथ ही जहां पे भारी बारिश को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया जाता रहा। हालांकि अगर लखनऊ या आसपास के जिलों की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर भारी बारिश की वजह से जो नदियाँ हैं उफान पर और बाढ़ की स्थिति है वो बन जाती है, चाहे सलावस्ती, बहराइच, पीलीभीत या उसके अलावा बाकी के जिलों की बात करें तो इन जिलों में जरूर बाढ़ की स्थिति है वो बनती है। तो उसके लिए जो भी जरूरी कदम है उठाने के लिए वो जिला प्रशासन की तरफ से जरूरी कदम उठाने की बात की। हालांकि इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार बैठकें भी की है, उसको लेकर जरूरी निर्देश भी दिए है। जानकारी भी मिली है कि आज बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं उनका दौरा है, हवाई दौरा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कर सकते हैं। जी जी चलिए ठीक है रवि।